The moment you start respecting yourself, you will respect all the relationship, you will respect religion, you will respect the environment. You'll become environment friendly, eco-friendly. You will start investing in right places. तो अपने respect करने का तरीका आना चाहिए. इस पूरे सेमिनार में तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बता सकती, क्विक क्विक आपको टिप्स दे रही हूं, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू मच अबाउट द प्रॉब्लम्स, आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम ऑन द सोल्यूशंस. सो द सोल्यूशन नंबर वन इज प्लीज रिस्पेक्ट योर सेल्फ. हाउ डू यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ? कोई मुझे बताएं किस तरह से आप रिस्पेक्ट करेंगे? सेटिंग योर बाउंड्री, ठीक है. किस तरह के लिमिट्स? मैं मतलब कोई आपके पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व ना हो, और क्योंकि अपोज जब कोई होता है तो फिर आपको उससे ओवर रिएक्ट करते हैं, फिर हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो ठीक है उसको एक्सपेक्ट करते हैं, आप खुद भी लूज करते हैं. दूसरों की एक्सपेक्ट नहीं करते फिर अपनी भी नहीं करते. इस केस में आप बात सही कह रहे हैं, बट आपने थोड़ा सा अगले स्टेप पे चले गए हैं. पहले बेसिक स्टेप्स कुछ बताएं. रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ में क्या आएगा? हाउ? That's a good one. Prioritize ourselves, but how? अपनी happiness को तो सब importance दे रहे हैं, फिर भी happy नहीं है. Okay, don't let others define you. But आप बातें बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन give me some tangible steps. मैं आपको बताती हूँ. अगर आप healthy eating नहीं करते और time पे meals नहीं लेते, you do not respect yourself. क्यों? हम कितना लिटरेचर पढ़ते हैं जो हमें बताता है कि यू शुड बी ईटिंग हेल्दी. इफ यू आर नॉट ईटिंग हेल्दी, व्हाट इज दैट मीन? आप खुद अपने मुंह में वो जंक डाल रहे हैं ना, खुद वो फिजी ड्रिंक ले रहे हैं. यू नो, वो क्लिप भी देख लेते हैं, हम कहते हैं हाँ मैंने यूट्यूब पे देखा था कि उससे वो बाथरूम क्लीन करते हैं. आई डोंट केयर, आई विल बी क्लेंज्ड इनसाइड आउट, आई नीड दैट क्लेंजिंग, माई नेगेटिविटी विल बी क्लेंज्ड. अस्तग़फ़िरुल्लाह, व्हाट आर यू डूइंग टू योरसेल्फ? नंबर टू, If you're not drinking enough water, you don't respect yourself. Keep a pot of flower in front of you. अपने कमरे में एक बहुत खूबसूरत सा प्लांट रखें, पॉट रखें, and do not water that plant. क्या होगा कुछ दिनों में? कभी आप में से किसी ने अगर कैट रखी हो, उस दिन कैट फूड लाना भूल गया और उसको भूख लगी है और उसको कुछ और खिला दिया, तो पता है क्या होता है? किसी के पास कैट है तो बताएं क्या होता है? Starts throwing up. Doesn't like to eat any other food. ये होता है respect कर. अगर मैं उस cat की respect करूंगी, उसको सही खाना दूंगी. इसी तरह मैं अपने आप की respect करूंगी, सही खाऊंगी, सही पीऊंगी. रात को जो शख्स टाइम पे नहीं सोता, सारी रात जागता है, फोन आपके पास है और उसको साइलेंट पे करके अपने आप को ये नहीं बताता आई नीड अ गुड स्लीप, तो वो क्या नहीं कर रहा? रिस्पेक्ट कर रहा है अपने आप को? अब आप अपने आप को देखें, हाउ मच रिस्पेक्ट यू हैव फॉर योर सेल्फ. तो ये क्राइटेरियाज हैं जो क्लास में, यूनिवर्सिटी में आकर क्लास बंक करता है, बाहर बैठा रहता है, क्लास में नहीं आता, वो अपनी रिस्पेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा. यू अंडरस्टैंड? ये छोटी छोटी टेंजिबल चीजें जिसको देखना है. दूसरी चीज क्या है? ट्रस्ट. अगेन, सबसे पहले किसको ट्रस्ट करना है? अपने आप को. किस मामले में ट्रस्ट करना है? किस चीज में ट्रस्ट करना है? अपने डिसीजंस को ट्रस्ट करना है, बट नॉट ऑन द रॉन्ग पैरामीटर. आई ट्रस्ट माई सेल्फ. अम्मा बा देख रहे हैं, वही बात है ना, खाना ठीक, ना पीना ठीक, ना सोना ठीक, रैंडम शॉपिंग, रैंडम डिसीजंस. हम कह रहे हैं मैं कर लूंगी जिंदगी में. वो जब शादी होती है ना, वो जो हाथ पकड़ पकड़ के चार सेमेस्टर फिरे होते हैं, उसके बाद क्या होता है उस ट्रस्ट का? आई ट्रस्ट हिम, I trust her. Most of those then end up in the wrong direction. तो यहां पे अपने trust का कोई parameter set करना है. When I say I trust myself, नहीं, मैं अपने आप को बहुत trust करती हूँ. Like I have someone in my family who is also a doctor and he's a workaholic. और अगर वो शख्स मुझे कहता है कि मैं तो सिर्फ 3 घंटे सोता हूँ, and I'm okay with that, and I'm fine. कोई दुनिया की स्टडी रिसर्च नहीं कहती कि इफ समवन इज कॉन्टिन्यूसली स्लीपिंग 3 आवर्स विल बी फाइन. आर यू ट्रस्टिंग योर सेल्फ ऑन द राइट पैरामीटर? रॉन्ग पैरामीटर. रॉन्ग पैरामीटर. मैं अपने आप को ट्रस्ट करती हूं, मैं सारी क्लासेस बंक करूंगी और कुछ मेरे बड़े प्यारे मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं जो मेरी अटेंडेंस लगा देंगे.
और प्रॉक्सीज लग जाएंगी और मैं बाहर बैठ के पढ़ लूंगा और पास हो जाऊंगा. व्हाट इज द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी? चले कुछ लोग पास भी हो जाते हैं, ऐसे होते हैं. मेरे साथ कॉलेज में भी कुछ ऐसे अफराद थे. फिर क्या होता है जब वो प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, कैसे होते हैं? अगेन दिस इज, देयर इज अ रिसर्च दैट पीपल हु डोंट परफॉर्म एट द लेवल ऑफ द पोटेंशियल विच हैज बीन गिवन टू देम, वो सिफारिश से, वो हिट एंड ट्रायल से वो निकल जाएंगे एजुकेशन सिस्टम से, वो मिडिल मैनेजमेंट से ऊपर नहीं जाते. अनलेस दे वर्क ऑन देमसेल्फ, ठीक. देन इमोशनली इंटेलिजेंट होना है, इमोशंस के ऊपर वर्क करना है. एंड देन एस्टेब्लिशिंग योर बाउंड्री. ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस पार्ट एज वेल, बिकॉज वी आर वेरी इंटरेस्टेड इन एस्टेब्लिशिंग आवर बाउंड्रीज. लेकिन अगेन दैट बाउंड्री सेटिंग हैज टू बी ऑन द राइट पैरामीटर. द बाउंड्री सेटिंग डजंट मीन दैट यू पुश ऑफ ऑल द रिलेशनशिप्स एंड टेल देम दिस इज अबाउट माई लाइफ. आपने कहा कि मैं तो रोज जो मेरा दिल चाहेगा मैंने करना है, दिस इज अबाउट माई लाइफ. मैंने गाड़ी सीट बेल्ट के बगैर चलानी है और तेज ही चलानी है, दिस इज हाउ आई एम. व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हुआ तो आप हॉस्पिटल में खुद ही जाएंगे, खुद ही आईसीयू में अपने आप को रजिस्टर कराएंगे, खुद ही अपने सारे एक्सपेंसेस पूरे करेंगे. विल दिस बी अबाउट योर लाइफ? आई एम वर्किंग इन एन एडिक्शन सेंटर और वहां जितने एडिक्ट्स हैं वो यही कहते हैं अपने पेरेंट्स को, दिस इज अबाउट माई लाइफ. लेकिन जब वो ज्यादा मिजरी में जाते हैं, हु इज पेइंग lakhs and lakhs of rupees for their detox and management and treatment? They themselves? No. When the brands we are wearing, the bags we are carrying, the phones we have, jab hum kehte hain this is my life, meri boundary, ye hum apne paison se kama ke la rahe hain? No. Fir hum kehte hain haan to fir amma abba ne paida kyun kiya tha? It's their fault na, to fir hame dein. This is not the right parameter. The parameter is what should lie in my boundary. Mujhe is boundary ke principles ko understand karna hoga. Again, you can have a separate talk on this. Now, basically what you have to see is when you enter a beautiful park, a beautiful vacation spot, jo insaan apne emotions ko settled rakhta hai, apne aap ko trust karta hai, apne liye sahi boundary setting karta hai, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करता है, अपनी रिस्पेक्ट करता है, दे आर एबल टू सी द होल व्यू, दे सी द पिक्चर एंड दे आर एबल टू डिसाइड द वैरायटीज दैट एग्जिस्ट ओवर देयर. आई कैन सिट, आई कैन वॉक, आई कैन लिसन टू द साउंड ऑफ बर्ड्स, आई कैन एंजॉय द ब्यूटिफुल सीनिक व्यू, आई कैन इंटरेक्ट विद समवन, आई कैन सिट ऑन द स्विंग्स, आई कैन सिट नियर वॉटर, I can jog, I can lie down on the grass. There are so many options. But someone who is mentally occupied and bahut pareshan hai, wo kya karega? Usko is park mein kuch nahi nazar aayega. Wo lost hoga. To agar aapko lagta hai ki in the life, when there are so many beauties and people are trying to show you, aapke parents aapko kehte hain, beta Allah ka shukar karo, teachers kehte hain, there are always people around who are guiding you to those principles and you are not able to understand. You are like, sabzi khane mein kya shukar hai? Ek joda main teen dafa pehen chuki hu, usme kya shukar hai? Char saal purane phone mein kya shukar hai? Thaka hua phone hai, purana model hai. Is university mein padhne mein kya shukar hai? When we cannot identify, where is the problem? Is the problem with the parents, mentors, environment, people? Where is the problem? Within us. Because we have not actually worked on these areas. We don't have healthy paradigms. When you have healthy paradigms, you will in the worst of situations able to see that. There was a research which was done on identical twins. Unhone ye dekha ki they were in the same toxic environment, but one of them outshined and the other one was a loser. So they realized that there is more than environment which is influencing them. It's about them, how they took the decision. Like again, I read this story. The father was alcoholic. The two youngsters, boys from that alcoholic father, when they were asked, ek jo tha bahut sharab peeta tha, usse pucha gaya, why do you drink? He said, I saw my father doing it.
And the other one who never touched a drink was asked, why do you don't drink? And he said, I saw my father doing it. So you could be living in the same environment, but learning different things. आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनकी एग्जाम्पल आपके बहन भाइयों को दी जाती होगी, इसको देखो. और आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनको उनके बहन भाइयों की एग्जाम्पल दी जाती होगी. एंड यू वुड बी हेटिंग योर सिबलिंग्स रादर देन अंडरस्टैंडिंग कि उनको पार्क में उनको वो सारा व्यू नजर आ रहा है, मुझे नहीं नजर आ रहा, सो लेट मी एक्सप्लोर. तो हम ये क्या करते हैं इसमें कि आपने इससे नीचे जाना है. पीपल कीप सीइंग दिस and you also keep seeing this, but there is more to you than what is visible to the eye. Dig deeper in your own resources. It's not like you're a loser if you have an emotional challenge or if you have a mental health challenge. There is a potential which is within you that you have not identified. From one of the narrations of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it has been said that there is not a disease for which Allah subhanahu wa ta'ala has not given a cure. तो अगर depression है ना तो उसका cure आपके अंदर ही है, उसका potential ठीक करने का आपके अंदर ही है. How come इतने सारे लोगों में से आपको depression हुआ है? You know, sometimes when I'm working with somebody who is going through a challenge, पता चलता है उनके तीन family members को कोई challenge है, वो भी आ जाते हैं सीखने, साथ ही एक group session शुरू हो जाता है. और अल्टीमेटली होता यह कि जिससे चैलेंज स्टार्ट हुआ होता है उसका तो थोड़ा सा चैलेंज था, बाकी लोगों को बहुत बेनिफिट मिलता है. और मैं उनको कहती हूं, यू नीड टू थैंक दिस वन पर्सन हु वाज ब्रेव इनफ टू से आई नीड हेल्प. एंड व्हेन दैट पर्सन टुक हेल्प देन सो मेनी अदर पीपल फ्रॉम द सेम फैमिली बेनिफिटेड. हाउ मेनी यू आर अवेयर ऑफ जोहारी विंडो? जोहारी विंडो इज अबाउट नोइंग योर सेल्फ. हाउ मच यू नो योर ओन सेल्फ? या तो मैंने भी कहा था, ट्रस्ट करना अपने आप को, रिस्पेक्ट देना अपने आप को. यू विल ओनली बी एबल टू डू दैट व्हेन यू नो योर सेल्फ वेल. सो जौहरी विंडो इज लाइक द बेस फॉर सेल्फ अवेयरनेस. और उसके फोर एरियाज होते हैं, ये हम सब में होते हैं. लाइक पार्ट ऑफ अस इज वेरी ओपन, वी नो अदर्स नो. देन पार्ट ऑफ अस इज ब्लाइंड, नॉट नोन टू अस बट इट इज नोन टू अदर्स. ये हम फीडबैक जब हमें मिलता है तो हम इस ब्लाइंड स्पॉट में से उन चीजों को अपने लिए यूज करते हैं. एंड वी कैन एक्सपैंड दिस ओपन एरिया. हमारे साथ होता है क्या, व्हेन समवन गिव्स अस अ फीडबैक तो हम रोना शुरू कर देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, वी बिकम डिफेंसिव, वी गो इनटू डिनायल्स. वो नहीं करना होता. आपको फीडबैक मिले थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें कि व्हाट्स द रियलिटी इन दैट फीडबैक. अगर उससे कोई फायदा हो सकता है, लेट मी वर्क ऑन दैट एरिया. So, आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाएगी. इसी तरह से देर इज अ हिडन एरिया, यू नो अबाउट इट बट अदर्स डोंट नो. ये बड़ा टॉर्चर बनता है उन लोगों के लिए जो हर चीज छुपाना चाहते हैं. अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो डेली इंटरेक्शन में आ रही हैं, इट कुड बी योर स्टेटस, इट कुड बी योर अफोर्डेबिलिटी फॉर समथिंग, इट कुड बी अ बिग चैलेंज. जैसे कई दफा ऐसे होता है कि आपको कहीं जरूरत पड़ रही है बात करने की, एंड लेट्स से यू आर कमिंग फ्रॉम अ फैमिली वेयर योर पेरेंट्स आर डिवोर्स्ड, यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. अब ये तो नहीं आपको करने की जरूरत कि आप माइक पकड़े और सबको बताएं कि दिस इज इट, बट लेट्स से यू आर सिटिंग इन अ गैदरिंग और समवेयर और कोई बात आ जाती है और आपको बताना पड़ रहा होता है और आप वहां पर भी छुपा रहे होते हैं, और उसका प्रेशर कितना आता है जहां पर जरूरत है कि कोई बात कर दी जाए एंड यू आर नॉट. आप एक रिस्पेक्टेबल तरीके से किसी को बता सकते हैं कि यू नो आई हैव सम प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ एंड आई एम डीलिंग विद दैट, आई वांट टू टॉक अबाउट इट, बट ये है, बट दैट्स इट. मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये कर सकती हूं. और आपने जैसी वो बात कर दी उससे क्या हो जाता है, आपका ये ओपन एरिया एक्सपैंड हो जाता है. पीपल रिस्पेक्ट यू, पीपल गिव यू मोर स्पेस. लोगों को समझ आ जाती है कि अच्छा इसका ये चैलेंज है, शी डजंट वांट टू टॉक अबाउट इट. Like I know this one person who is diabetic, sugar इनको, she doesn't want to tell. उन्होंने इसको hidden area में रखा हुआ. अब इसमें से कौन सी बात है, कितने लोगों को sugar होती है लेकिन उन्होंने हर gathering में छुपाना है कि किसी को पता ना चल जाए मुझे sugar है. अब जब वो dinner पे कहीं होती है, people offer her desserts, what does she do? नहीं 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 मेरा पेट भर गया है. और वो जो boast है वो insist कर रहा है
नहीं नहीं आंटी खाएं, आंटी खाएं, आंटी कह रही है नहीं 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 मेरा पेट भर गया है, मुझे ये पसंद नहीं, अच्छा ये दूसरा डिजर्ट ले लें, अच्छा ये वाला ले लें। अगर वो सिर्फ कह दें कि मेरी शुगर थोड़ी सी ज्यादा है, दैट इज वाई अवॉइड दैट, आई कैन टेक अ फ्रूट और आई रादर नॉट हैव इट, तो क्या होगा, वो होस्ट क्या कहेगा, दैट्स ओके। लाइक वंस आई हैड फ्रेंड्स विजिटिंग और मैंने उनके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह सर्व किए, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स सैट डाउन एंड शी वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग एंड आस्क्ड, आई सेड कि तुम कुछ नहीं खा रही, शी सेड आई हैव ग्लूटेन एलर्जी, आई थॉट आई एम सो सॉरी यू शुड हैव टोल्ड मी आई वुड हैव मेड समथिंग फॉर यू, उसने कहा नहीं तुम्हारे घर फल है वो दे दो मैं वही खा लूं, बात खत्म होगी। अब अगर वो कह रही है नहीं मेरा पेट भरा हुआ है, मैं कहूंगी तुम फिर आई क्यों थी, कमाल है, देन आई विल गेट अपसेट, आई हैव मेड सो मच फॉर यू एंड यू आर नॉट लाइक लेटिंग मी नो। सो जहां जरूरत हो वहां पर हम अपने इस हिडन एरिया को क्या करते हैं, थोड़ा सा कर देते हैं, इससे हमारा ओपन एरिया बढ़ता है एंड वी फील कंफर्टेबल डीलिंग विद आवर चैलेंजेस। माय प्रीवियस कार काफी खराब हो गई थी एंड आई डिडंट वांट टू गेट ऑन द वो जो लीज पे होता है फ्रॉम द बैंक, तो मुझे जब कोई कहता था कि आप गाड़ी चेंज करें, गाड़ी की आपकी हालत बहुत खराब है, मैं कहती थी देखें चलती का नाम गाड़ी, जब पैसे होंगे चेंज कर लूंगी, आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी टू बाय अ न्यू कार इंस्टेंटली। उससे क्या हो जाता था, सब कहते अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं बस खरीद रही हूं, बस अभी लेनी है, बस मैं सोच रही हूं, मुझे ये भी नहीं पसंद, मुझे वो भी नहीं अच्छी लगती और मैं ये कर रही हूं, आई एम पुटिंग अप अ पिक्चर विच आई एम नॉट। और अननोन क्या होते हैं, आई डोंट नो, अदर्स डोंट नो, वी ऑल हैव अ वन ऑफ वेरी अमेजिंग टैलेंट लाइंग ओवर देयर। और जब हम इन एरियाज पे ब्लाइंड स्पॉट और हिडन एरिया पे काम करते हैं तो ये भी हमारा एक्सपोज होना शुरू हो जाता है। लाइक व्हेन आई गो बैक टू व्हेन आई वाज अ मेडिकल स्टूडेंट, आई कुड हैव नेवर इमेजिन्ड आई वुड बी स्टडिंग कुरान, आई कुड हैव नेवर इमेजिन्ड वन डे आई बिकम अ पेरेंटिंग एक्सपर्ट और वन डे आई बी काउंसलिंग एंड कोचिंग यंगस्टर्स, नेवर। मैं अभी भी कई स्टूडेंट्स को कहती हूँ मे बी यूल गो होम एंड यू से ओ आज एक डॉक्टर कमल आई थी एंड मे बी सम ऑफ योर रिलेटिव नोज मी फ्रॉम माई कॉलेज डेज, वो कमल उसने कैसे कर लिया, तो ये यहां से होता है। आई नो मेनी अदर लेडीज हैं हु हैव रनिंग बेकरीज एंड आउटलेट्स और उनकी भी कोई ना कोई जाने वाला मुझे बताता है कॉलेज में तो ये कुछ भी नहीं थी, तो मैं इनको कहती हूँ लिसन दिस वॉज हर हिडन थिंग विच केम आउट, सो यू ऑल हैव इट इन साइड यू, रादर देन गोइंग इन टू डिप्रेशन एंड एंजाइटी एंड कटिंग योर सेल्फ एंड थिंकिंग अबाउट डाइंग एंड मतलब आई एम नॉट गोइंग टू लिव मोर देन अनदर 3 years और 2 years, वाई नॉट एक्सप्लोर दीज डायमेंशंस। आप में से कभी किसी ने एक्सप्लोर किया अपने अंदर, नहीं किया ना, तो थोड़ी देर के लिए ये इसको टिकटॉक को और इंस्टा को छोड़ के और स्नैपचैट के फिल्टर्स को छोड़ के ये काम करें और आप देखें आपको कितना जिंदगी का मजा आएगा। सम अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, प्लीज हील योर शेम। व्हाट इज शेम, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शेम एंड गिल्ट, गुड, शेम इज नेगेटिव, गिल्ट इज पॉजिटिव। शेम इज व्हेन यू अटैच द प्रॉब्लम इन योर लाइफ टू योर सेल्फ, if I have this challenge I am bad, and guilt is the challenge is there in my life but it is detached from me, I am not bad but I have a challenge in my life. तो जब हम अपने आप को shame में ले जाते हैं, let's say आपको पता है अब latest terminologies ये हैं, जैसे आप ये नहीं कहते diabetic person, हम कहते हैं person with diabetes, हम ये नहीं कहते ये alcoholic है, हम कहते हैं person having अल्कोहल डिसऑर्डर, हम उसको डिटैच करके बात करते हैं। अब हम डॉक्टर्स को कहा जाता है प्लीज डिटैच करके बात करें, हम कहते हैं वो जो ऐसी है, हम शेम बेस्ड सोसाइटी हैं, हम लोगों को शेम भी देते हैं और शेम के साथ रह के फिर कुछ भी नहीं कर पाते। सो व्हेन यू हैव शेम इनसाइड यू, यू विल नेवर बी एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। लाइक लॉट ऑफ टाइम्स वी डोंट प्रे, नमाज नहीं हम पढ़ते बिकॉज हम क्या कहते हैं गिल्ट नहीं लेते। गिल्ट ये है कि यू नो आई एम अ हाई अचीवर, आई डू सो मच गुड बट आई एम हैविंग स्ट्रगल्स इन माई प्रेयर, सो लेट मी डिग एंड लर्न हाउ टू फिक्स दैट। और शेम क्या होगी नमाज के लिए,
मैं तो जहन्नम में जाऊंगी, मैं तो गुनाहगार, मैं तो बहुत बुरी, आई कैन नॉट प्रे. लॉट ऑफ टाइम आई हैव कम अक्रॉस यंगस्टर्स हु वुड एक्चुअली टॉक टू मी एंड से, मैम मैं देखने में इतनी मुसलमान नहीं लगती, मैं मुसलमान लेकिन अंदर से मैं बहुत हूं, मैं मतलब बहुत मैं ये करती हूं. यू डोंट हैव टू, दैट इज अ शेम बेस्ड पर्सनालिटी. यू डोंट हैव टू प्रूव टू एनीवन, इट्स योर रिलेशनशिप विद अल्लाह. अपने आप को शेम से बचाना होता है. जैसे आई एम कंसिडर्ड टू बी अ पेरेंटिंग एक्सपर्ट, तो अगर मेरा बच्चा एक आए और कोई एक गलत बिहेवियर दे तो सबके हो इतनी बातें कर रही थी, इनका बच्चा क्या कर रहा है. अब मैं अपने बच्चे के दिमाग के अंदर जाकर उसकी कॉग्निशन पे कितना काम कर सकती हूँ, उसको गाइड ही कर सकती हूँ ना. और मैं ये तो नहीं करूंगी जस्ट बिकॉज माई किड इज डूइंग समथिंग रॉन्ग तो मैं अपना काम छोड़ दूं. जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके चचा थे अबू तालिब, ही नेवर बिकेम मुस्लिम, बट डिड द प्रॉफिट कैरी शेम? नो, ही केप्ट ऑन डूइंग हिज वर्क. उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा. तो हमें भी शेम से अपने आप को बचाना है, अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें गिल्ट लाना है, गिल्ट से यू मूव टुवर्ड्स सॉल्यूशन. देन डिनाइल से बचाना है. डिनाइल क्या है? मैं वेइंग स्केल पे खड़ी हुई, वेइंग स्केल बता रहा है मेरा वजन कितना है, मैंने बीएमआई कैलकुलेट किया और मैं कह रही हूं मैं इतनी तो मोटी नहीं हूं. दिस इज डिनाइल. फैक्ट्स देखने हैं. आप अगर मुझे कहें कि नहीं आई डोंट स्लीप ऑन टाइम एट नाइट, मैं तो रात को दो तो तीन तो बज ही जाते हैं. And I'm very healthy and fit. I don't believe that. That's denial. Because it's a common science. Not common sense. Common science. Science says the moment you don't follow your circadian rhythm of the body, अंदर हंगामे शुरू हो जाते हैं. Tornadoes आ जाते हैं. आपके hormonal imbalances शुरू हो जाते हैं. Leptin, growth hormone, आपकी healing processes, आपकी memory, आपके इमोशन सब डिस्टर्ब हो जाते हैं. एंड दैट इज शोइंग इन योर बिहेवियर, बट यू डोंट एग्री, दैट्स डिनाइल. डिनाइल में नहीं रहना चाहिए, हकीकी बात करनी चाहिए. हैबिट्स को अपने ठीक करना चाहिए. देयर इज हैबिट लूप थिंग आपको बताना चाहिए. विल पावर को अपने बिल्ड करना चाहिए, उसके भी तरीके आने चाहिए हमें. दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ सीबीटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आई लाइक टू टीच इट टू माई स्टूडेंट्स. सो सीबीटी मॉडल सेज दिस इज अ सिचुएशन और एनवायरमेंट, और ये हमारी थॉट है, बिहेवियर है, बॉडी सेंसेशंस हैं एंड इमोशंस हैं. सो व्हाट इज इन आवर कंट्रोल? आवर सेल्स, आवर थॉट्स, आवर इमोशंस, आवर सेंसेशंस, आवर बिहेवियर. सिचुएशन इज नॉट इन आवर कंट्रोल. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते कि सुबह ना अम्मी अब्बू ने मेरा मूड खराब किया. नहीं, आपकी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन ने किया, आपके थॉट प्रोसेस ने या इमोशन ने या बिहेवियर ने किया. हाँ, पेरेंट्स का रोल होता है, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड देन अगेन वही बाउंड्री सेटिंग सही करके आगे बढ़ना होता है. नहीं तो आप अगर हर दिन, अब आज अम्मी अब्बू ने मूड खराब किया, आज टीचर ने किया, आज कुलीग ने किया, आज सोशल मीडिया पे किसी से बहस हो गई, तो फिर आपके इमोशंस कैसे रहेंगे? टर्बुलेंट. उनको ठीक करने के लिए आपको उसको ठीक करना होगा. एक और चीज ये समझनी होगी, सर्कल ऑफ कंट्रोल एंड नो कंट्रोल. ये तकदीर के कॉन्सेप्ट के बड़े क्लोज है. लॉट ऑफ टाइम पीपल से मेरी किस्मत खराब है. इफ अल्लाह हैज पुट दिस इन मी, अल्लाह ने मेरी किस्मत में ये रखा है, तो मेरा क्या कसूर है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव थॉट अबाउट दिस एंड बीन वरीड अबाउट इट एंड कंफ्यूज अबाउट इट? आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल फॉर्मूला फॉर दैट. पहली बात तो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है. ही हैज टोल्ड द सहाबा, व्हेनेवर यू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू कदर, टू प्लीज डोंट डिग टू डीप इनटू इट, बिकॉज दिस इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज बियॉन्ड यू. जैसे जो आप इस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, एंड इफ यू हैव अ यंग किड एट होम 3 साल का, वो आपसे पूछे आप क्या पढ़ रही हैं, आप उसे क्या एक्सप्लेन कर सकती हैं? कोई मॉडल एक्सप्लेन कर सकती हैं? नहीं, उसको कुछ नहीं समझ आएगा. सो सिमिलरली हमारा नॉलेज बेस और जो अल्लाह का नॉलेज बेस है, देर इज नो मैच, देर इज नो मैच. अच्छा, लेकिन इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अल्लाह सुबहान व तआला ने जब सब चीजों को क्रिएट किया, दिस इज हिज पावर ऑफ नॉलेज. ही नोज ईच एंड एवरी थिंग दैट वी डू, दैट वी विल डू, एंड ही हैज प्लान्ड थिंग्स फॉर अस. आवर मेजर लाइफ इवेंट्स हैव बीन प्लान्ड. और अल्लाह ताला को अपने नॉलेज की वजह से यह भी पता है कि हम आगे क्या करेंगे, हम उस प्लानिंग के साथ कैसे रहेंगे.
हमारे कंट्रोल में क्या? डू वी नो हिज प्लानिंग? यस और नो? नो. फॉर अस इट्स अ ब्लैंक कैनवस. हमने उसमें क्या रिएक्ट किया या रिस्पॉन्ड किया, हमारे लिए वो डॉक्यूमेंट होगा. दैट इज ऑल वी हैव टू वरी अबाउट. लेट्स से यू वॉन्टेड टू गो इन अ सर्टन फील्ड, करियर चॉइस. आप बहुत डेस्परेट थे कि मुझे यही करियर चॉइस करनी है. और जब आप वो करियर चॉइस कर रहे थे, आपने बहुत पढ़ाई की, बहुत एफर्ट की, सम हाउ यू कुडंट गो इन देयर. व्हाट डज दैट मीन? यू पुट इन योर बेस्ट बट वहां आप नहीं जा सके. उसका क्या मतलब है? दैट वॉज नॉट इन योर कदर. अल्लाह हैड अ बेटर प्लान फॉर यू. अब आपका रिएक्शन या रिस्पॉन्स बताएगा इज अल्लाह इज गोइंग टू बी हैप्पी विद यू और नॉट.